बात करेंगे पीएसएल टीमों के मालकान के बारे में, किस टीम का कौन मालिक है और वो क्या बिजनेस करता है। जहाँ पर खिलाड़ियों की बड़ी फैन फॉलोइंग है, व्यूअरशिप है, वहीं पर जो टीमों के मालकान है उनकी भी अच्छी खासी फॉलोइंग है। किराना फवाद लाहौर कलंदर के हर एडिशन में बड़े हर दिल अजीज होते हैं। जब उनकी टीम हारती है तो लोग उन पर मीम्स बनाते हैं। किराना फैमिली जो है कतर में तेल का काम करते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर के जो ऑनर है वो शायद वाहिद ऑनर है जिनका बैकग्राउंड क्रिकेट से है। सुलेमान इकबाल जो है गोल्ड का बिजनेस है पूरी दुनिया में। मुल्तान सुल्तान उसका ओनर कौन है? के जो मालिक हैं अब वो जनाब अली तरीन साहब हैं, जो कि जहांगीर तरीन के बेटे हैं। जावेद अफरीदी उनकी हायर कंपनी है जो MG गाड़ी आई है पाकिस्तान में, उसको ओन कर रहे हैं। तांबा यूनाइटेड वो टीम है जिनके ऑनर फेमिलियर नहीं है, उनका नाम अली नकवी है। मैं दाद दूंगा आमना साहिबा को जो अली नकवी की बीवी है, कि वो बहुत ही बैलेंस टीम बनाती हैं। नाजरीन इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसएल टीमों के मालकान के बारे में, कि किस टीम का कौन मालिक है और वो क्या बिजनेस करता है। आइए जानते हैं नबीर ऋषि साहब से। जी शफीक, बहुत शुक्रिया आपका। पीएसएल इस वक्त जारी है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और बड़े ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं और लोग पीएसएल की हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं, हर एक्टिविटी को बड़े शौक से देख रहे हैं। जहाँ पर खिलाड़ियों की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, व्यूअरशिप है, वहीं पर जो टीमों के मालकान हैं उनकी भी अच्छी खासी फॉलोइंग है और लोग बड़े महजूज होते हैं उनको देखकर, उनकी गुफ्तगू सुनकर, उनकी बातें सुनकर। जैसा कि आपको पता है कि राणा फवाद लाहौर कलंदर के वो तो हर एडिशन में बड़े हर दिल अजीज होते हैं। जब उनकी टीम हारती है तो लोग उन पर मीम्स बनाते हैं और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, उन पर तनकीद भी करते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, डेफिनेट लोग जानना चाह रहे होंगे कि किस टीम का मालिक कौन है, वो क्या कारोबार करता है, उसका ताल्लुक कहाँ से है और उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो आप वन बाय वन मुझसे पूछें टीम के हवाले से, तो मैं उसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा सर, आपने नाम अभी लिया था राणा फवाद का, तो लाहौर कलंदर से शुरू करते हैं। देखिए, लाहौर कलंदर बड़ी ज़बरदस्त टीम है और लाहौर कलंदर ने बड़ा पार्टिसिपेट किया है पाकिस्तान की क्रिकेट में। उन्होंने जैसे टैलेंट हंट करवाया और नए लड़के पाकिस्तान को दिए, हारिस रऊफ उनकी दरियाफ्त हैं और बहुत सारे उनके लड़के जो हैं वो बिग बैश खेले हैं, शाहीन शाह अफरीदी उनकी दरियाफ्त हैं, तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर उनके मालिक की बात की जाए तो राणा फवाद उनके मालिक हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में उनके भाई आतिफ राणा जो हैं वो मालिक हैं और आतिफ राणा ही तमाम तर चीज़ों को मैनेज करते हैं, टीम को लेकर चलते हैं। अब भी अगर खिलाड़ी खरीदने की बात हो या उसके बाद से लेकर अब तक जो पीएसएल जारी है, हर जगह पर हमें आतिफ राणा ही नज़र आते हैं और ये टीम बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर राणा फैमिली की बात की जाए तो राणा फैमिली जो है वो कतर से बिलोंग करती हैं, कतर में इनका बिजनेस है, कालको के नाम से इनकी कंपनी है और ऑयल कंपनी है। तो सादा लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि ये कतर में तेल का काम करते हैं। और जो फवाद राणा है बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बलबूते पर अपनी फैमिली को स्टैंड करवाया और UET से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की थी जी। और यही डिटेल है इस फैमिली की। सर, जो राणा फवाद है वो PSL 7 में नज़र नहीं आ रहा, इसकी वजह ये एक इंटरेस्टिंग बात थी, मैं भी करना चाह रहा था उसकी वजह ये है कि डेफिनेट उनकी कोई ना कोई मसरूफियत होगी, शायद कोई कारोबारी मसरूफियत हो, इसकी वजह से वो अभी तक नज़र नहीं आए। लेकिन डेफिनेट अगर उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है और क्वालिफाई करती है सेमीफाइनल के लिए, तो डेफिनेट फवाद राणा जो है वो स्टेडियम में मौजूद होंगे, अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। अच्छा सर, आप बात करते हैं कराची किंग्स के, उसका मालिक कौन है और उसका बिजनेस क्या है? देखिए, कराची किंग्स के मालिक के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि सुलेमान इकबाल जो हैं वो कराची किंग्स के मालिक हैं, जो कि ARY के भी मालिक हैं और उनका मीडिया नेटवर्क है, ARY मीडिया नेटवर्क के वो मालिक हैं, जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप है। इसके अलावा ARY गोल्ड का उनका बिजनेस है पूरी दुनिया में, तो वो एक अच्छी खासी सरमायादार फैमिली है। कराची से ताल्लुक़ है सलमान इकबाल का और एक मेमन फैमिली है। सलमान इकबाल के जो वालिद साहब हैं उन्होंने एक पौधा लगाया था ARY, पहले ये गोल्ड का काम करते थे फिर ये मीडिया में आ गए, तो ये बहुत बड़े शहर से इनका ताल्लुक है और इनकी टीम की बड़ी रेटिंग होती है, लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं। और इस तरह मैंने आपको सारी डिटेल सलमान इकबाल की बता दी। अच्छा सर, जो PSL 6 की विनर है मुल्तान सुल्तान, उसका ओनर कौन है? मुल्तान सुल्तान एक नई टीम है, पहले 5 टीमें थी, ये 6th टीम थी, लेकिन इन्होंने आकर जो है वो धमाका किया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, लास्ट चैम्पियन बनी
और इस पर भी बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, नाकाबिले शिकस्त है। तो इस टीम के जो मालिक हैं वो जनाब अली तरीन साहब हैं, जो कि जहांगीर तरीन के बेटे हैं। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स में आलमगीर तरीन मालिक हैं अफरमुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज के, जो कि जहांगीर तरीन के छोटे भाई हैं। जहांगीर तरीन एक पोलिटिकल पर्सनैलिटी हैं और तमाम लोग उनके बारे में जानते हैं, लोधरा से उनका ताल्लुक़ है और इमरान खान के साथी थे। इमरान खान के को इक्तदार में लाने के लिए उन्होंने बड़ी एफर्ट की है। उनके बेटे भी अली तरीन भी ज़िमनी इलेक्शन लड़े थे लेकिन वो जीत नहीं सके थे। तो अली तरीन जो है वो तमाम बागदौड़ संभालते हैं मुल्तान सुल्तान की, तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं, देखते हैं। और रिसेंटली उनसे एक सवाल किया गया था सोशल मीडिया पर कि जी आप बताएं मुल्तान सुल्तान का मालिक कौन है, तो उन्होंने बताया था कि मुल्तान सुल्तान के जो डॉक्यूमेंटेशन में मालिक हैं वो आलमगीर तरीन हैं, जो कि उनके भाई हैं। जहांगीर तरीन के अगर बिज़नेस की बात की जाए तो इनके बहुत बड़ा एक कैटल फार्म है, इनकी शुगर मिल्स हैं और इसके अलावा इनका एक फूड ग्रुप है यूनाइटेड फूड के नाम से। तो एक ये जेके ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बिज़नेस ग्रुप है। और जहांगीर तरीन का जो शुमार है वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होता है और बड़ी सरमायादार फैमिली, उनके लिए एक टीम की खरीदना मैटर नहीं करती, मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने टीम खरीद कर जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी जो है वो की थी और उसका नाम मुल्तान सुल्तान रखा ताकि उनके इलाके की नुमाइंदगी पीएसएल में हो सके। जैसा आप बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी के, उसका ऑनर कौन है? देखिए पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर हैं वो भी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, लेकिन उनको पीएसएल से पहले कोई नहीं था जानता, लेकिन जब उन्होंने पीएसएल में टीम खरीदी उसके बाद से लोगों ने उनको जानना शुरू किया। और उनका नाम है जावेद अफरीदी, जो कि अफरीदी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, केपीके से उनका ताल्लुक़ है और उनकी हायर कंपनी है। जो हायर कंपनी है, आप एसी देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, तो ये हायर जो कंपनी है जो होम अप्लाइंसिस बनाती है, ये जनाब जावेद अफरीदी साहब की है। और जावेद अफरीदी साहब ने पेशावर ज़ल्मी की टीम ख़रीदी थी और इमरान खान के साथ भी फिर उनका एक अच्छा ताल्लुक बना, वास्ता बना। और जावेद अफरीदी ने अभी रिसेंटली जो MG गाड़ी आई है पाकिस्तान में, उसका भी पाकिस्तान में जो सेटअप सारा है उसको ऑन कर रहे हैं जावेद अफरीदी। अच्छा, शायद अफरीदी के साथ इसका रिलेशन है कि सुनने में ज़्यादातर कहते हैं कज़न? इनका कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली अफरीदी जो इसमें 8 कबीले हैं अफरीदियों के, सर, तो वो किसी और कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। शायद अफरीदी किसी और कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अफरीदी इनकी कौम सेम है। सर आप बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टीम है जिनके ऑनर फेमिलियर नहीं है लोगों से, उनके नामों से फेमिलियर नहीं है। बाकी जितने भी नाम हैं वो फवाद राना बड़े फेमस हो गए, सलमान इकबाल इसकी ARY की वजह से फेमस थे, हायर की वजह से हो गए ये पेशावर ज़ल्मी, जावेद अफरीदी, मुल्तान सुल्तान, डेफिनेट जहांगीर तरीन एक बहुत बड़ा नाम है। तो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑनर है उनका नाम अली नकवी है, जो कि हांगकांग से बिलोंग करते हैं, हांगकांग में इनका बिजनेस है। और अली नकवी की जो बीवी हैं आमना, वो तमाम मैनेजमेंट देखती हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और ये हांगकांग में स्पोर्ट्स का इनका बिजनेस है, लियोनिन ग्लोबल स्पोर्ट्स के नाम से इनका एक बहुत बड़ा सेटअप है वहाँ पे। और हांगकांग में भी जितनी भी लीग्स होती हैं उनमें इनकी टीम ज़रूर पार्टिसिपेट करती है। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त टीम है। इनकी मैनेजमेंट जो है, मैं दाद दे दूँगा आमना साहिबा को, जो अली नकवी की बीवी हैं, कि वो बहुत ही बैलेंस टीम बनाती हैं और ऐसी टीम बनाती हैं कि जिनमें हर पोर्शन में कलर्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से 2 बार चैंपियन भी रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड और हमेशा ही वो अच्छा खेलती है इस्लामाबाद यूनाइटेड, यानी कि ज़बरदस्त मुकाबला करती है। अच्छा सर, अब जो एक छठी टीम है, जो फाइनल टीम है, उसकी बात करेंगे, क्वेटा। क्वेटा का ऑनर कौन है? देखिए क्वेटा ग्लैडिएटर के जो ऑनर हैं वो शायद वाहिद ऑनर हैं जिनका बैकग्राउंड क्रिकेट से है। बाकी तमाम जो लोग हमने डिस्कस किए उनका जो बैकग्राउंड था वो बिजनेस से था, उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जो इस टीम के जो ऑनर हैं नदीम उमर, उनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है और वो कराची में क्रिकेट की उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कराची से जितने भी प्लेयर्स आए हैं कौमी टीम में उनको पॉलिश करने में, उनकी तरबियत करने में उनको सपोर्ट किया है नदीम उमर साहब ने। नदीम उमर मालिक हैं, जो कि कराची के एक बिजनेसमैन हैं और क्रिकेट से उनका बड़ा लगाव है और वो प्रेजिडेंट भी हैं क्रिकेट एसोसिएशन कराची के। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो खेलों की तंजीमें हैं कराची की, उसमें वो मुख्तलिफ उहदों पर तैनात हैं। और सरफराज अहमद जो साबिक कप्तान हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि अब मुझे क्रिकेट में लाने वाले, मुझे पॉलिश करने वाले, मुझे कौमी टीम तक पहुंचाने वाले जो हैं वो जनाब नदीम उमर हैं।
तो नीम मोर का एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है मोइन खान से भी, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर के कोच हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये वाहिद मालिक हैं जिनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, इसके अलावा कोई भी मालिक जो है उनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने जस्ट फॉर दी इंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर दी स्पोर्टिंग PSL टीमें खरीदी और एक अच्छा जो है इंटरटेनमेंट पाकिस्तान के लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।